परमेश्वर पिता सुंदर अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर अवसर प्रभु हमारे जीवन में भी धन्यवाद हो। आज यूसीसी की तरफ से सारे चर्चेस को जी बताएं किस तरह क्या कैंडल प्रार्थना और रैली निकाली है। हम लोग देखिए 2 तारीख से आज तक आज शाम तक टोटल 12-12 घंटे का हम लोगों ने अनवरत परमेश्वर से प्रार्थना किया। और यह इसलिए हुआ है कि मणिपुर की जो घटनाएं हुई हैं आज सारा देश ही नहीं पर विदेश भी इससे वाकिफ है और सारे राष्ट्र में इसकी निंदा हो रही है और साथ ही साथ विदेश में भी इसकी निंदा हो रही है। और यूसीसी ने यह उचित समझा कि हमारे भिलाई जो एक शांतिप्रिय नगर है यहाँ पर भी हम अपने लोगों को बुलाएँ, प्रार्थनाएँ करें शांति के लिए ताकि मणिपुर में शांति की बहाली हो सके। हमारा विश्वास प्रार्थना में है, इसीलिए सर्वप्रथम हमने प्रार्थना किया और आज ये मार्च जो है थोड़े दूर तक हम लोगों ने निकाला। हरियाणा में भी कांवड़ यात्रा यात्रियों के ऊपर पथराव किया गया, कट्टरपंथी के द्वारा क्या कहना चाहिए? जो हुआ है सब बातों को हम लोगों ने टीवी की न्यूज में देखा, समाचार पत्र में पढ़ा और बड़ा ही दुख हुआ। इस तरह की यात्राओं में अगर जब हम जाते हैं कहीं भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी कौम का हो, शांति को बनाए रखना है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पत्थरबाज की और अन्य हिंसा घटनाओं की भी निंदा करते हैं। अपना पूरा परिचय देंगे। मैं रेवरेंट राकेश प्रकाश हूँ और इस यूसीसी में मैं डायरेक्टर बोर्ड में हूँ और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं रेवरेंट शिबू थॉमस, मैं ब्रदरन चर्च का पास्टर हूँ और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का उपाध्यक्ष हूँ और उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल की ओर से हम लोग सब के सब 2 दिन का प्रार्थना सभा रखे और रैली भी किए हैं, कैंडल मार्च किए। हमें यही कहने के लिए है कि हम जो मसीही लोग हैं हम शांतिप्रिय लोग हैं और मणिपुर में जो भी घटनाएं हुई हैं, हरियाणा में जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर किया जाए और जो भी घटनाएं इस प्रकार की हो रही है उसको जितना जल्द हो सके समाप्त करें। खास करके मणिपुर में 250 से कहीं ज़्यादा कलीसिया भवनों को जला दिया गया, बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य वहाँ पर हुआ है। इस बात से हम लोग बहुत ही दुखित हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा देश इस प्रकार की अवस्था में जाए या इस प्रकार के अराजकता में और अशांत के माहौल में जाए। छत्तीसगढ़ का भी माहौल बीच बीच में खराब होते रहता है। हम नहीं चाहते कि ये इस प्रकार पूरे देश में फैले। हम शांति चाहते हैं हमारे देश में, हम शांति चाहते हैं। हम मसीह लोग सब के सब मिलकर इस बात की घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम लोग दुखी हैं इस बात को लेकर कि जो अशांति फैली जा रही है उस पर पूर्ण विराम होना चाहिए। और मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जितना जल्द हो सके जो जो इन कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं उनको उन पर कार्रवाई की जाए और हमारे देश में शांति रहे। धर्म के नाम पर जो है सांप्रदायिक हिंसा जो है यहाँ पर भड़काया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर कोई भी हिंसा जो है शांतिप्रद हमारे देश के लिए नहीं हो सकता। इसलिए हम जो है देश के शासकों से, देश को चलाने वाले लोगों से, हमारे देश के नेताओं से जो है इस बात की मांग करते हैं इस रैली के, इस शांति मार्च के दौरान, कि जो है इस प्रकार के जो धर्म के नाम पर जो भी सांप्रदायिक दंगे जो है लोग किसी कुछ वर्ग के लोगों के द्वारा जो भड़काए जा रहे हैं देश में, उन पर जो है कार्रवाई करें और आगे जो है इस देश में जो है इस प्रकार की कोई भी बात धर्म के नाम पर ना होने पाए, इस बात की कामना करते हुए हम जो है
हमारा हम जो है अपनी वाणी को यहाँ परिधान देते हैं। देश की शांति के लिए एक बार फिर से हम नारा लगाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ ईसाई समुदाय लेकिन जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं हमारे भारत देश में सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और विशेष करके हम ये देखने में आ रहे हैं कि ईसाइयों के प्रति एक गलत धारणा को हमारे हिंदू भाइयों बहनों के मन में भरा जा रहा है, हमारे प्रति नफरत को डाला जा रहा है, एक गलत हमारे प्रति नरेशन को तैयार किया जा रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम अपने सारे हिंदू भाइयों बहनों से यही निवेदन करते हैं कि हम सब आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए कोई दूसरे नहीं, हम भी इसी देश के हैं, हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, हम सब भाई बहन हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। और हमारे मन में हमारे किसी हिंदू भाइयों बहनों के लिए कोई भी हमारे अंदर ऐसे नफरत की भावना नहीं, लेकिन हम तो हमारे देश के लिए हमारे सारे भाइयों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन जितने भी अल्पसंख्यकों के लिए जो भी एक गलत बातों को गलत विचार धारणा को नफरत के तौर पे आपके दिल दिमाग में हृदयों में डाला जा रहा है। कैंडल मार्च का मुख्य उद्देश्य यही है, हम शांति का संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में शांति और अखंडता बना रहे, आपस में हमारा कोई भी मतभेद ना हो लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, कोई भी गड़बड़ी हमारे देश में ना हो, इसी में हमारे देश का उन्नति और हम सबकी भलाई है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। आज के कार्यक्रम का क्या मकसद रहा बताइए? और बीते 24 घंटे से मसीह समाज के द्वारा बिलाई में सेक्टर 6 में 24 घंटे के उपवास प्रार्थना रखा गया। इसमें विभिन्न सारे कलीसियाओं के अध्यक्ष लोगों ने एक एक घंटे का चैन प्रेयर में शामिल होकर 24 घंटे का चैन प्रेयर सफल बनाया गया। और आज शाम को मसीह समाज के द्वारा कैंडल मार्च करके पूरे देश प्रदेश में संदेश दिया है कि मसीह समाज शांति चाहता है। आपकी नज़र में कितने लोग यहाँ पर आज इसमें सहयोग के लिए इकट्ठा हुए? आज करीब 2000 संख्या में महिला और बच्चे और पुरुष लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुआ है। और मणिपुर के लिए विशेष प्रार्थना की गई कि महिला मणिपुर में ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोग और बच्चे लोग पीड़ित हैं। हम मणिपुर के राज्य सरकार से और हमारे केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी मणिपुर में शांति और अमन लाए। मैं पास्टर विनोद आचार्य, एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल छत्तीसगढ़। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, आपका पवित्र वचन कहता है प्रभु कि आपका नाम से